फ्रेंड्स, आर किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जाऊंगी करेले की सब्जी, जो बिल्कुल सिंपल होती है और बहुत फ़ायदेमंद होता है। मैंने 300 ग्राम करेला ले लिया है, उसको कट कर लेंगे धो के अच्छे से। इस तरीके से छील लेंगे, हल्का हल्का, बिल्कुल पतला ही निकालेंगे इसका लेयर। लेयर में काट लेंगे इसको, करेले को बीज को बाद में निकाल लेंगे, पहले पतला पतला काट लेंगे, जितना पतला हो सके आप काटेंगे, बहुत अच्छा होता है। देखो, मैंने बारीक बारीक कट करके रख लिया है, और जितना करेला है उस लमसम उतना ही प्याज भी बारीक कट करके रख लेंगे। और उसके बाद करेला का कड़वापन निकालने के लिए मैंने नमक ले लिया है, इसको अच्छे से नमक से मसल के 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जितना इसका कड़वापन जो होता है, सब नमक इसका खींच लेता है, और बहुत टेस्टी अच्छा करेला बन के रेडी होगा, जो बच्चे भी अच्छे से खाएंगे पसंद करके। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, फ्लेम को मीडियम कर देंगे, प्याज डाल देंगे, साथ में इकट्ठा करेले भी डाल देंगे। इसमें से पानी छन चुका है, देख सकते हैं एकदम परफेक्ट है। उसके बाद दोनों को मिक्स कर देंगे। बिल्कुल सिंपल सी है, जो दाल चावल के साथ आप इजली खा सकते हो, उस तरीके से आज करेले की रेसिपी बनाऊंगी। इसमें मिर्ची नहीं डालेंगे फ्रेंड्स, बिल्कुल नमक के साथ ही इसको फ्राई करेंगे, लेकिन नमक भी अभी नहीं डालेंगे। जब ज़्यादा ये अब पका हो जाएगा, ज़्यादा पक जाएगा, तब लास्ट में नमक डालेंगे। अभी ऐसे ही मीडियम फ्लेम पे ही इसको भूनते रहेंगे। फ्रेंड्स, देख सकते हैं कितना अच्छा फ्राई कुक होने लगा है, मीडियम फ्लेम पे ही करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार डालते हैं, नमक डाल देंगे, और फिर इसको और कुछ भी नहीं डालूंगे। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है और बहुत टेस्टी बनता है, आप दाल चावल रोटी से इंजॉय करिए, बहुत अच्छा लगता है। अच्छे से चला लेंगे एकदम मीडियम मीडियम फ्लेम पे, देखिए कुरकुरा बनना स्टार्ट हो गया है, बहुत टेस्टी होगा। आप मीडियम फ्लेम पे ही इसको फ्राई कीजिए। इतना परफेक्ट करेला बन गया है, आप इसको कभी भी ट्राई करिए, बहुत अच्छा होता है। दाल चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ भी खा सकते हैं, कड़वा बिल्कुल नहीं लगता है। प्लीज़ अगर ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए। कितना परफेक्ट करेला बन के रेडी हुआ है, प्लीज़ आप ट्राई करिए और शेयर कमेंट किया करिए, सब्सक्राइब किया करिए। आप लोग के सपोर्ट से हम बहुत आगे जाएंगे, प्लीज़।